फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्टार्ट बटन को प्रेस करके ब्लैक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। यहां से दबाकर वीडियो को लाइक और यहां से दबाकर वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी जगह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आरएल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर हमारा मोबाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, हम कोई भी चीज़ वगैरह अगर ओपन करना चाहते हैं तो वो बहुत लेट ओपन होती है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने मोबाइल की स्पीड को 4 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत कमाल की ट्रिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और इसके अलावा अगर आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो भी बैटरी टाइमिंग भी नहीं है, आपका मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है या इसके अलावा आपका मोबाइल हैंग होता है, तो आज की वीडियो में आपको 2 ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो आप करने के बाद अपने मोबाइल की स्पीड भी देखिए और अपने मोबाइल की बैटरी में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की 2 ट्रिक लेकर आया हूँ। एक तो आपके मोबाइल की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाएगी और इसके अलावा आपके मोबाइल के जो हैंग होने की प्रॉब्लम है उससे भी आपका काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस मेरी वीडियो को आप देखिएगा एंड तक, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल के अंदर ही सेटिंग करके अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते। स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि सिर्फ आपने अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग करनी है और सेटिंग के बाद अपने मोबाइल की स्पीड को चेक कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल की स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलें आगे बढ़ते। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जो सेटिंग ऑप्शन है आपका, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कीजिए। जैसे ही आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन शो होगा। अबाउट डिवाइस के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको ये बिलेट नंबर का ऑप्शन शो होगा, आप इसको क्लिक कर लीजिए। आपने इसको 7 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपके मोबाइल का जो डिवेलपर ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर एक बार वापस बैक आ जाएं, जैसा कि अबाउट डिवाइस में आप डिवेलपर ऑप्शन 7 बार आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर डिवेलपर ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक बार इसको बैक कर लें, बैक आएंगे तो अबाउट डिवाइस के नीचे ही आपको ये डिवेलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पर शो नहीं होगा जब तक आप बिलेट नंबर को 7 मरतबा क्लिक नहीं करेंगे। तो डिवेलपर ऑप्शन शो होने के बाद आप फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाएँ तो यहाँ पे आपको ये विंडो एनिमेशन स्केल का ऑप्शन शो होंगे। ये 3 किस्म के ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो एनिमेशन स्केल, इसको क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये 1 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्ट होगा, तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। और ये दूसरे नंबर पे ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इसको भी आपने ऑफ कर देना है, ये भी आपके मोबाइल में तकरीबन 1 नंबर पर सिलेक्ट होगा। तो इसके बाद 3रे नंबर पे एनिमेटेड स्केल ड्यूरेशन स्केल, ये भी आप देख सकते हैं 1 नंबर पे सिलेक्ट है। ये मोबाइल में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो तकरीबन 1 पे सिलेक्ट होती है, तो हम इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। जैसे ही आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा आपके मोबाइल जो गोली की तरह चलना शुरू हो जाएगा। अब जो कुछ चीज़ भी ओपन करेंगे बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी में वो ओपन हो जाएगी और आपके मोबाइल की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, कोई बफरिंग वगैरह नहीं करेगा आपका मोबाइल। और इसके बाद मैं आपको दूसरी सेटिंग भी बता देता हूँ, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाएँ, डू नॉट कीप एक्टिविटीज़, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑफ होता है ज़्यादातर मोबाइल में, आपने इसको ऑन कर लेना है। और इसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आप देखेंगे लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस, जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होती हैं तो वो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं, तो आप अगर चेक उनको चाहते हैं कि आपके मोबाइल की जो बैकग्राउंड में रन एप्लीकेशन वगैरह रन कर रही होती हैं, जिनसे आपको ये नुकसान होता है कि आपका एक तो नेट का डेटा भी ज़ाया होता है, एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर 5-6 एप्लीकेशन खुद से वो रन कर रही हैं जिससे आपके मोबाइल की बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है, आपके इंटरनेट का डेटा भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप कोई एक एप्लीकेशन अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन करती रहे कोई मसला नहीं है, या 2 एप्लीकेशन हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खुद से रन ना हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी भी बची रहेगी और इसके अलावा आपका मोबाइल अगर हैंग होता है तो वो हैंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे आप नो बैकग्राउंड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एक एप्लीकेशन रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं या 4 तक, जो भी आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, मेरे इस वीडियो को लाजमी लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।